हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज ओमकार सिंह हु वेलकम्स यू टू द यूट्यूब चैनल दियो केमरेकल ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो मेहनत करते हैं उन्हें अच्छा परिणाम मिलता है। बस मेहनत करते जाइए और अच्छे परिणाम का इंतज़ार करिए। कई क्षेत्रों में मेहनत करिए, किसी न किसी क्षेत्र में आपको परिणाम अच्छा अवश्य मिलेगा। उसका बेसब्री से इंतज़ार करिए और सब्र से इंतज़ार करिए। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो संघर्ष से मत घबराइए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। इसी के साथ आपसे निवेदन करेंगे कि पहली बार चैनल पर अगर आए हैं तो आप अपने चैनल दी ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है दी ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश, हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है, अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करता रहेगा आपके लिए। तो लाल बटन सब्सक्राइब का उसको बड़ी तेज़ी के साथ प्रेस कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को संबंधियों को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस बहती गंगा में नहाने का या हाथ धोने का मौका मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये बड़ा ही रोमांचक पीरियड। और रोमांचक पीरियड के अंतर्गत ट्रांसफॉर्म बाय रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत सी पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने ए और बी पॉइंट इसका नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो उसे पहले देखिए, तब सी पॉइंट को देखिए, जिससे प्रत्येक बात आपके समझ में आएगी। तो सी पॉइंट में क्या दिया है देखते हैं। जब टू प्लस एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वी वन नहीं दिया जाए, या ये कहिए केवल टू प्लस एडजेक्टिव ही दिया जाए, तब हम क्या करेंगे। तो हम करेंगे नंबर एक, सब्जेक्ट तथा वर्ब में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब को यथास्थान रहने देंगे। टू को हटाकर, एडवर्ब टू को हटाकर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एडवर्ब टू को हटाकर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे, बाकी अन्य चीज़ों को यथास्थान रहने देंगे। तो देख लेते हैं फॉर्मूला कैसे बना है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, टू के स्थान पर एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे, फिर एडजेक्टिव, फिर अदरवर्ब्स। कुछ नहीं करना है, केवल एडवर्ब टू हटाइए और एक्सट्रीमली लगाइए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर एडजेक्टिव रखेंगे, टू को हटा देंगे, एडजेक्टिव के बाद रखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, अदरवर्ब्स जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो ध्यान रखें, अगर एक्सट्रीमली का प्रयोग कर रहे हैं तो टू के स्थान पर कर देंगे, अर्थात एडजेक्टिव से पहले रखेंगे, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसे एडजेक्टिव के बाद यूज करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, टू को तो हटाना ही हटाना है। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल दिया है। इट इज टू हॉट टूडे, अब देखिए टू दिया है, एडजेक्टिव दिया है, उसके बाद टू प्लस बी वन नहीं है हमें, इसका मतलब यही वाले हमें रूल्स अपनाने हैं। इट वॉज टू कोल्ड यस्टरडे, यहाँ भी यही मामला, टू दिया है, एडजेक्टिव दिया है, टू प्लस बी वन नहीं दिया है। सेम एज नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, तो यहाँ भी टू दिया है, एडजेक्टिव दिया है, टू प्लस बी वन नहीं दिया है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, तो क्या करना है आपके लिए, देखिए सब्जेक्ट रूप में इट का यूज है, वर्ब आपका यथावत रहेगा, टू को हटा देंगे, क्या लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली, बाकी एडजेक्टिव यथावत स्थान रहेगा हॉट और फिर टू ने, सेंटेंस क्लियर हुआ, इट इज एक्सट्रीमली हॉट टूडे।
एक्सट्रीम होता है अत्यधिक, आज बहुत गर्मी है, कहने आप तो बहुत गर्मी है, अर्थात इतनी नहीं होना चाहिए था, तो नेगेटिव सेंस रखता है। कहते लोग आप तो बहुत गर्मी है, इतनी नहीं होनी चाहिए थी, लिमिट से बाहर जा रही है। इसको ऐसे ही बना सकते हैं आप, चाहे इट इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट टूडे, या इट इज हॉट टूडे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बाद में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये सेंटेंस बना देंगे, इट वाज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यस्टरडे। यस्टरडे को पहले भी लगा सकते हैं, जैसे इट वॉज कोल्ड यस्टरडे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो कोई खास अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, दिस क्वेश्चन इज, क्योंकि क्या करेंगे, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, मतलब ये क्वेश्चन अत्यधिक कठिन था, तो एक्सट्रीमली का प्रयोग करें ज़्यादा बढ़िया है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जिससे आप आसानी से करना सीखें। क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, दो तीन एग्जाम्पल समझ लीजिए, बहुत होते हैं, 10 समझते रहो वो आपका हेडेक है। इट इज ट्रू, कोल्ड टुडे, दूसरा देखिए, इट वाज ट्रू इट वॉज टू हॉरिबल साइट। तो ये दो सेंटेंस हैं, दोनों को क्या करना है आपको, रिमूव टू करना है। तो ये आपके समझ में आ चुके होंगे, इन्हें आप अपने कॉपी पर नोट डाउन करें और फिर इनका सॉल्यूशन दें। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में भी इसका रेस्पॉन्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बी हैप्पी।